सज्जनों, सावित्री सत्वान की कथा से कुछ रागनी आपको सुना रहा हूँ। आपने सुना कि नारद जी ने सत्वान की एक वर्ष की ही उम्र बताई थी, तो भी सावित्री ने कंगाल लड़के सत्वान को ही अपना पति स्वीकार किया और उसके साथ में शादी की, क्योंकि सत्वान अपने माता पिता के साथ वन में रहता था, इसलिए सावित्री भी वहीं रहने के लिए सहज तैयार हो गई। शादी की रस्म पूरी होते ही सावित्री ने अपनी सास से कहा कि यहाँ इस बियाबान बनखन में, जहाँ ऋषियों की कुटी है, मेरे लिए श्रृंगार करना भी शोभा नहीं देता है, और न ही ये गहने आभूषण मुझे अब शोभा देते हैं। तो अपने कीमती वस्त्र व आभूषण उतार कर अपनी सास को देती हुई सावित्री कहती है कि जो मेरे पिताजी के दिए हुए गहने वस्त्र हैं, इनको मैं नहीं पहनना चाहती, आप अच्छी तरह से इन्हें संभाल कर रख लो। मैं तो बड़े ही साधारण वेश में यहाँ रहकर गुजारा करूंगी। और इस प्रकार सावित्री अपनी सास से क्या कहती है। अरे ले तो संवार के घर ले।
सासू सरियो रे सासू सरियो रे पति की सेवा करती रहूं हमेश सासू रखे लाडली और करता प्यार नरेश चंद्र मासी शान मेरी और काले काले के के घर की ऐश आराम की जिंदगी को छोड़कर वन में कष्ट उठाया करती थी, लेकिन उसके मन को वही नारद जी की वाणी का ख्याल हर समय झकझोरता रहता था।
कि कुछ दिन बाद उसके पति सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। रोजाना एक एक दिन गिनती रहती थी। इसी फिकर इसी चिंता में वह सूखती जा रही थी। तो एक दिन सत्यवान सावित्री से कहता है कि सावित्री, गुलाब के फूल जैसा तेरा बदन आखिर दिन प्रतिदिन सूखता क्यों जा रहा है? कमल जैसा तेरा सुंदर चेहरा क्यों मुरझाया रहता है? वो चंद्रमा की चांदनी सी तेरी आधा कांति कहां गायब हो गई? मृग के समान चमकते तेरे नैनों का तेज मंद मंद सा क्यों होता जा रहा है? लबालब रस भरे छलकते प्यालों जैसे तेरे होठ अब रसहीन क्यों होते जा रहे हैं? तेरा वह नूर वह शबाब अचानक ही क्यों ढलता जा रहा है? और इस प्रकार सत्यवान सावित्री का बुरा हाल देखकर उससे क्या कहता है? सूख के पेट कमर में पड़ता आवे से।
आवे से बिना बीमारी रोग बदन में चिड़ता आवे से सावित्री के फर्क गात में गुजरते गए। धीरे धीरे वही अभागा दिन आ गया जो सत्वान के काल को अपने सीने में छिपाए बैठा था। सत्वान की मौत का पैगाम लिए हुए सूर्य की किरण उदय हुई तो सावित्री को अचानक चिंता हो गई। अपने पति से कहती है कि पतिदेव, मैं भी आपके साथ आज लकड़ी काटने के लिए चलूंगी, क्योंकि वह जानती थी कि आज की तिथि में ही उसके पति का प्राणांत हो सकता है और इस स्थिति में वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन सत्वान कहता है कि सावित्री, तू मेरे साथ आज वन में क्यों चलना चाहती है? क्या बात है? तू मेरे साथ वहां क्या करेगी? ना तो तेरे हाथ से कुल्हाड़ा ही संभलेगा और न ही तू लकड़ी काट सकती। और फिर वीर मरद के आपस में सवाल जवाब होने लगे, कैसे भला? हो गया गाते सुख के देते मन कुलाड़ा, मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। गोरी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में। हो गया गात सुख के मारा पिया, देते मन लकड़हारी तेरी गैल करूं
हे कंगाल सवतरी तू भी दुख ने घेरी। हाँ हम तो थे कंगाल सवतरी तू भी दुख ने घेरी। राई टहल तेरी कर जागी प्यारी डर डर के मर जागी। चल के शेरों की पंचायत में मरने से क्या डरना मुलाकात में। हो गया गात सुख के मारा पिया दे दे मने कुलाड़ा में भी चालूंगी तेरे साथ में। रघोरी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में। ओ, 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 साथ वन में लकड़ी काटने के लिए ले चलने की बात पर रजाबंद कर लिया तो फिर अपने सास ससुर से भी आज्ञा लेने के लिए उनके पास में गई। अपने सास ससुर को शीश झुकाया प्रणाम किया और अपने पति के साथ वन में जाने की इजाजत मांगती हुई विनती करती हुई कहती है, फल लेने की इच्छा करके जा शरी सुत तेरा। आज बियाबान की हवा खान ने जी कर रास मेरा। थारी आज्ञा बिनी ऊपर ने मैं नैन नहीं कर सकती। थारे कहे बिन कोई काम दिन रैन नहीं कर सकती।
पति का बिछड़ना पल भर भी मैं सहन नहीं कर सकती, पति बिना मैं एक घड़ी भी चैन नहीं कर सकती। पहलम कह सुना तो मतनारी होगा दर्द घनेरा, बियाबान की हवा खान ने जी कर रहा से मेरा। और जब पहले तो सावित्री की सास ने सावित्री को सत्वान के साथ जाने की इजाजत दे दी, और फिर जब सावित्री के ससुर ने भी उसे आशीर्वाद देकर वन जाने की अनुमति दे दी, तो अब तो सावित्री का मन खिल गया। एक तरफ तो पति की मृत्यु होने का असहनीय दर्द उसको बेचैन कर रहा था, दूसरी तरफ बाहरी तौर से मुस्कुराहट उसके होठों पर छलक जाती है, अपने पति के साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो सावित्री के मन के भावों का कवि ने क्या बयान किया है। सुसार की सुन के हंसती चली, तन कर डामाडो पति का दुख हेरे दे मैं पूरा नहीं रे किसे ने तो ये को
चमकाया मैं था पर दुख से व्याकुल मन हो गया हाँ। पति प्रेम का आया मैं था पर दुख से व्याकुल मन हो गया। दो तैरिया का बैरी मन हो गया उरे दो दुखे सुखे बनखंड की ओर चल दिए। चलते चलते जब काफी दूर पहुंच गए तो सावित्री तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सत्यवान अपना कुल्हाड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। प्रेमियों होनहार कभी टलती नहीं है। सत्यवान का अंतिम समय नजदीक ही आ गया और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सिर में चक्कर सा आने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसका जी घबराने लगा। तो पेड़ पर से ही सावित्री से कहता है कि सावित्री मेरे हाथ से तो कुल्हाड़ा छूटने को हो रहा है, मैं लकड़ी काटने में भी असमर्थ हो रहा हूं। तो सावित्री ने आवाज लगाई अपने पति को और उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहा। नीचे बुलाकर उसका हाल चाल पूछा तो सत्यवान कुछ झिझक झिझक कर मंद मंद सी आवाज में सावित्री से क्या कहता है। सावित्री मेरा जी घबरावे दर ले मरती परिया प्राण पति के लाड़िया करी करे ले सावित्री मेरा जी घबरावे सर को जाम दर ले मरती परिया प्राण पति के लाड़िया करी Thank you.
जबर की भर ले मरती बरिया प्राण पति के लाड आखरी करे ले सावधरी मेरा दीदा मेरा सर को जान धर ले मरती बरिया प्राण पति के लाड आखरी करे ले आते हैं सत्वान की प्राण लेने के लिए, लेकिन सती तो अपने पति की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों पर ही जूझ गई। कहने लगी यम के दूतों से,
कि मेरे पति के प्राण लेने से पहले आपको मेरे प्राण भी लेने होंगे। और इस प्रकार सती अपनी आत्मिक शक्ति व तेज के बल पर यम के दूतों से बहस करने लगी, तो यम के दूत हार कर वापिस चले जाते हैं और धर्मराज से सती के विषय में सारा हाल बताते हैं। अब स्वयं धर्मराज सत्वान के प्राण लेने के लिए उसी स्थान पर आ जाते हैं जहां सावित्री अब तक भी अपने पति को अचेत अवस्था में लिए पेड़ के नीचे बैठी थी। तो धर्मराज जाकर सावित्री को समझाते हुए और क्या कहते हैं, से छोड़ दे भक्ति चुपचाप कर जग्गी झुकी मो माया से आत्मा को साफ कर जग्गी झुकी माया से आत्मा को साफ कर एकदम दो पक्ष पांच तत्वों से शरीर बना मचे पर नारी नारी बेची और तस्वीर बना सादीप नो खंड जीव की जागीर बना सादीप नो खंड जीव की जागीर बना चौदह भवन में ज्ञान की ज्योति चौदह भवन में ज्ञान की ज्योति जो अंधेर करे से लाश छोड़ दे क्यों इसे की मेरे करे से लाश छोड़ दे क्यों इसे की मेरे करे से ढाई नरक में जीव है तवाई भत्ता गंगा जमुना अड़सठ तीर्थ जाके ने घुमाई करता धर्म और पाप इन दोनों की कमाई करता धर्म और पाप इन दोनों की कमाई करता ना देखन में आवे जीव पौन के समान हो से मच्छी मिलकी मच्छी के मां तेरा के नुकसान हो से बुरे और भले का बेची समझनिया न ज्ञान हो से बुरे और भले का बेची समझनिया न ज्ञान हो से ना कुछ लाई ना कुछ ले जा तुझी ने देर करे से लाज छोड़ दे जीव के अधीन रहे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर रखवाली के तीन रहे ऋषि मुनि योगी जन भक्ति में लोलीन रहे ऋषि मुनि योगी जन भक्ति में लोलीन रहे जितने दिन का हुक्म था पूरा करके तोड़ चला फिर रावण की आस रही ना घर ते नाता तोड़ चला सीधा जागा हर के घर माची जीव छोड़ चला सीधा जागा हर के घर माची जीव छोड़ चला नई तिरछना जगन की माने नई तिरछना जगन की माने आशा फिर करे से लाज छोड़ दे We'll be right back.
ले रोक बेटी इतनी तो तू बाद नहीं, दुख ने बितावे हंस के इतना दिल साध नहीं, भूल गी के बाणी पगली नारद जी की याद नहीं, भूल गी के बाणी पगली नारद जी की याद नहीं, मान सिंह परम ब्रह्मण ब्रह्म को ना भूलाना चाहिए, तज्जे ना शर्म करम चरम को ठिकाना चाहिए, मनुष्य का हो करम भरम धर्म ना घटाना चाहिए, मनुष्य का हो करम भरम धर्म ना घटाना चाहिए। कह लक्ष्मी चंद भक्तों की हरे पूरी टेर करे से लाज छोड़ दे जिंदगी मेरे करे से, या लाज छोड़ दे क्यों जिंदगी मेरे करे से। यमराज सावित्री को समझा बुझाकर सत्वान के प्राण लेकर चल देता है, लेकिन सावित्री तो यमराज के पीछे पीछे चलती रही और दोनों के सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा, तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा, सत्यवान के सिवा मांग ले हर गज भी ना टाल करूं, पहले बचन भरो भगवन में आगे फिर सवाल करूं, सच्ची सती सावित्री से तू मैं भी तेरा ख्याल करूं, ज्वान अवस्था जति पति बिन मोक्ष बता किस डाल करूं, भले बुरे कर्मों का लेखा जो थारे आगे छट जा, टूटा मोगा जाल जगत में एक दिन तेरा पट जा, तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी चुकर जिंदगी कट जा। फिर यमराज सावित्री को तीन वचन देने की हां भर लेता है, तो सावित्री पहले वचन में क्या मांगती है। मांग लिए मांग लिए वरदान आज तू कर ले सती यकीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो सुसराने तरहीन मेरा, ऐसा ही होगा सावित्री अब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन हो गया घना मलीन मेरा, हाँ जीत उसी की होती आई जो सत के ऊपर डट जामान का क्या कर ले दो कई बात न नची जा, तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी चुकर जिंदगी कट जा। और फिर सावित्री दूसरे व तीसरे वचन में यमराज को किस प्रकार से उलझा लेती है। सोच फिक्र को छोड़ सती जो सारी चिंता दूर करो, दो पुत्र हूँ मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो, दो भाई तेरे हो जाएंगे
आज भरपूर करो, एक पुत्र हो मेरे उदर से तेजस्वी और सूर करो। देता हूँ वरदान सती सबका आका तेरा दुख बच जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलैदा पति जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा जा, मतली उल्टी रच जा। बिना पति के धर्म राज में चुप जिंदगी कट जा। लेकिन सावित्री कहती है कि महाराज आप एक तरफ तो मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं और दूसरी ओर मुझे पुत्रवती होने का वरदान देते हैं, तो ये कैसा इंसाफ है? तो यमराज क्या कहते हैं? सावित्री तन सावित्री तन वचन लिए मैं चक्कर भी फंसाया। नौ निधि और बारह सिद्धिया दिन आपके माया। किस तरिया जीवित कर दूं मैं तेरे पति की काया। सब कुछ कर सकती भक्ति भगवान भजन में पाया। मान सिंह ने मन समझाया नाम हरिहर कारक जा। कह रघुनाथ धर्म धीरज से सारा खटका मिट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा जा, वतरी उल्टी रच जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। और इस प्रकार धर्मराज ने सत्वान को जीवित कर दिया। प्रेमियों यह किताब यहीं समाप्त होता है।